थोड़ा देर रुक जाइए। हाँ, अगर आप कोई भी एक्शन कैमरा खरीदना चाहते हैं, जो आपके हीरो गोप्रो, आपका हीरो 9 10, बहुत कॉस्टली एक्शन कैमरा होते हैं, अगर वो खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले थोड़ा देर वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग आप लोगों को एक ऐसा एक्शन कैमरा दिखाएंगे जो जनरली 25-30 हज़ार के नहीं आता है, अंडर 8 थाउजेंड आता है, लेकिन आपको इसका जो क्वालिटी है वो आपको कुछ हद तक गोप्रो कैमरा की तरह देगा, जिससे आप लोगों को पैसा भी बचत होगा और आप लोग अगर बिगिनर हैं तो उसके लिए आप लोगों को इतना पैसा खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए। तो ये कैसन CN10 जो आपके 4K 60 FPS तक भी सपोर्ट करता है, ये एक एक्शन कैमरा है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, बाकी डिटेल आप लोगों को धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो जैसे इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग करते करते थोड़ा सा मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे पूरा देख लीजिए, उसके बाद अच्छा लगे तो एक लाइक दबा दीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग इसको ओपन करते हैं, इसमें से सबसे पहले हम लोगों को मिल जाता है ये एक्शन कैमरा। ये कैसन का CN10 है, मॉडल नंबर। ये 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है। इसमें आपको पहले मिल जाता है ये कैमरा, बाकी ये इसमें दो सेक्शन है, दो सेक्शन में एक ये है दूसरा ये है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, देखते हैं इसमें साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आता है, डिटेल्स के बारे में है। इसमें आपको एक्सटर्नल माइक भी साथ में आते हैं, इसलिए उस माइक को कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कैसन का ही बाकी जो सारे एक्सेसरीज मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या आप ये सब चीज़ को कैसन के ही ब्रांड के खरीद सकते हैं, और ये आप उसका माइक को कैसे यूज़ करेंगे और कैसे नहीं करेंगे उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं कि इसके साथ में क्या क्या मिलता है। दोस्तों, इतना सारा एक्सेसरीज आपको गोप्रो के साथ भी मिलता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें ढेरों सारे एक्सेसरीज हैं जो इसके रिक्वायरमेंट में आता है। इसमें एक्स्ट्रा माइक दिया हुआ है, वो भी है ये साथ में। अगर आप लोग बोया या किसी और माइक को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कनेक्टर भी दिया हुआ है, 3.5 वाला कनेक्टर से इसमें कनेक्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको और एक एडेप्टर खरीदना पड़ता है। उसके साथ यहाँ पे इसका और एक मैनुअल, बाकी इसका चार्ज करने के लिए या फिर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इसका डेटा केबल, और बाकी आप देख सकते हैं ढेरों सारे माउंट्स है। इसमें सबसे बेस्ट जो लगा कि ये आपका 2 बैटरी के साथ आता है, इसमें आपको एक एक एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरी भी मिल जाएगा, और साथ में ये आपका वाटरप्रूफ केसिंग के साथ ही आता है। तो चलिए दोस्तों, पहले सारे चीज़ को साइड कर लेते हैं, फिर बताते हैं कैमरा के बारे में। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स दिए हैं ये सब चीज़ के बारे में तो डेमो नहीं दिखा सकता, लेकिन इसमें सभी चीज़ है। जैसे आप लोग बाइक में या कहीं पे माउंट करना चाहे, हेलमेट में माउंट करने के लिए ये आपको साथ में आता है। इसके साथ ये क्लिप आता है जिसमें आप हेलमेट में इसको माउंट कर सकते हैं। इसके साथ एक एक्स्ट्रा कवर आता है, और बाकी ये आपका इसके साथ रिमोट आता है जिससे आप जो रेड है वो आपका है फोटोशूट करने के लिए, और ये जो ब्राउन वाला आप देख रहे हैं ये है आपका वीडियो के लिए। चलिए सब चीज़ों को पहले साइड कर लेते हैं और बढ़ते हैं हमारे कैमरा की तरफ। ये आपका वाटरप्रूफ केसिंग के साथ ही आता है, जिसको हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं और बाद में दिखाते हैं इसमें क्या फंक्शन होता है। ये इसका केसिंग भी काफ़ी सॉलिड लग रहा है मुझे, इसका एक्शन कैमरा। यहाँ पे इसका पावर स्विच है, यहाँ पे ओके स्विच है, जिससे आप मतलब फ़ोटो खींचने के टाइम इसको प्रेस करेंगे तो वो आपका फ़ोटो खींचेगा, और वीडियो के टाइम पे भी अगर आप इसको प्ले करते हैं मतलब एक बार दबाते हैं तो वीडियो प्ले पॉज होता रहेगा। यहाँ पे आपका HD आउट और आपका USB पोर्ट आता है, जिससे आप इसको इसके बैटरी जो है उसको आप चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे इससे आप डायरेक्टली डेटा जो है मतलब HD आउट है जिससे आप इसको अपने मॉनिटर या TV पे डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये लेंस आपका 24 मेगापिक्सल के आते हैं,
और ये आप देख पा रहे हैं ये कैसन 4K एक्शन और 60 FPS कैमरा है। ये वाईफाई के साथ आता है। चलिए और यहाँ पे दो स्विच है अप डाउन करने के लिए, एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें वाईफाई है तो कनेक्ट करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जो आपका यहाँ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड के लिए है और ये iOS के लिए है। तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी सारी डिटेल दिया हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। इसमें देखिए सब लिखा हुआ है, 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है, 1080p पे आपका 120 FPS सपोर्ट करता है, 170 डिग्री इसका एंगल तक ये सपोर्ट करता है, वाईफाई असिस्टेंट है, 24 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन इसमें है, 128 GB कार्ड तक ये सपोर्ट करेगा और ये 30 मीटर वाटरप्रूफ है। और आगे इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप यहाँ पे इसका स्कैनर है, इसको स्कैन करके आप यहाँ के जो व्हाट्सएप नंबर है तो वारंटी के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी कैमरा को ऑन कर लेते हैं, इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑन हो जाता है। इसमें एक बैटरी आपका इनबिल्ट आता है मेन कैमरा। यहाँ पे हम लोगों ने एक मेमोरी कार्ड भी डाल के रखा है और बाकी जैसे हम लोग इसको दबाते हैं ये आपका वीडियो मोड पे आ जाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये टाइम सेविंग मोड पे है, ये वीडियो में है और हम लोग इसको जैसे दबाएंगे ये इसका वीडियो। इसमें एक्चुअली बैटरी लो है, मैं एक बार इसका सेकेंड बैटरी को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं जो आपका ये सेटिंग है उसके हिसाब से ये आपका ऑटोमेटिक इसका वीडियो स्टार्ट है और ये स्क्रीन सेवर मोड पे चले जाते हैं, जिससे इसका बैटरी डिस्प्ले ऑन रहने के कारण इसका बैटरी थोड़ा सेव हो। अगर ऑन रहता है तो बैटरी ज़रूर ज़्यादा ही खाएगा। ये हमने इसको ऑफ कर दिया। फ़ोटो लेना है इसमें से तो आप इसको, ये आपका स्क्रीन सेवर मोड में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अगर आप इसको स्लाइड करेंगे तो ये आपका कैमरा मोड में आ जाता है और इधर स्लाइड करेंगे तो ये वीडियो मोड पे आ जाता है। यहाँ पे इसका मेनू है जिससे आप सारे वीडियो जो भी है इसको स्लाइड करके देख सकते हैं और यहाँ से आप चाहे तो उसको डिलीट कर सकते हैं। और ऊपर से आप नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे वाईफाई माइक और आपका लॉक और पावर ऑफ बटन आ जाता है। जो रेजोल्यूशन है वो 4K 60 FPS 30 FPS 2K 30 FPS 1080p आपका 120 FPS 60 FPS 30 FPS पे आता है, 720p आपका 240 FPS 120 FPS 60 FPS 30 FPS तक आता है। ये हो गया आपका FPS का। इसमें हम लोग जैसे डिस्टॉर्शन ऑफ करते हैं, ये डिस्टॉर्शन इसमें ऑन है तो जैसे हम लोग इसको ऑफ करते हैं यहाँ पे आपका EIS मोड ऑफ आ जाएगा, जिससे आप इसको ये स्टेबिलाईजेशन को आप इसमें ऑन कर सकते हैं। बाकी इसमें वाइट बैलेंस आपका एक्सपोजर सेटिंग सब कुछ आप इसको मैनुअली सेट कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी, ISO, टाइम, वाटरमार्क, रिकॉर्डिंग ऑडियो, इसमें एक चीज़ है जो आपका रिकॉर्डिंग के लिए काम में आएगा। रिकॉर्डिंग में आप जैसे अगर इसका एक्सटर्नल माइक को यूज़ करते हैं तो आपको ये टर्न ऑन करके रखना पड़ता है। अगर आप ये टर्न ऑन नहीं करते हैं, अगर इसको ऑफ करके रखते हैं तो आप इसका अगर एक्सटर्नल माइक यूज़ करेंगे तो साउंड अच्छा नहीं आएगा। इस कैमरे माइक से अगर इसका ऑडियो को अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको इसको हमेशा ऑफ करके रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें एक बीप 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 साउंड आता है, मतलब साउंड पे काफ़ी सारे डिस्टोर्शन आता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं वीडियो देख। बाकी ये हो गया इसका वीडियो का सेटिंग। बाकी यहाँ पे सेटिंग पे आप देख सकते हैं इमेज रोटेशन है, वाईफाई है, वाईफाई इंफॉर्मेशन है। वाईफाई को ऑन करने के लिए आपका दो तरीका है, यहाँ से आप इसको इसके वाईफाई को ऑन कर ऑफ कर सकते हैं। ये आपका हो गया ऑन। अब ऊपर ये वाला स्विच को आप जैसे ही ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और बाकी इसी को अगर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपका वाईफाई ऑन हो जाता है। इसके लिए आपका एक ऐप होता है जो आपको दिखा दिया था मैंने, उसमें से वो डाउनलोड करना पड़ता है। अगर हम लोग कैमरा में स्विच करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शन है, वीडियो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और ये लूप, ये इसमें आपका आ जाता है। फोटो में आपका फोटो, ऑटो फोटो, ब्रास फोटो आप एक साथ
कुछ और फोटो ले सकते हैं, टाइमर के टाइमर भी इसमें आ जाता है। तो हम लोग अगर इसको फोटो में स्विच करते हैं तो इसका सेटिंग कुछ और आ जाता है। इसमें आपका पिक्सेल आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा पिक्सेल में फ़ोटो लेना चाहते हैं, 24, 20, 16 जो भी हो वो आप इसमें से ले सकते हैं। बाकी डिस्टोर्शन ऑन ऑफ ये आप कर सकते हैं, वाइट बैलेंस एक्सपोजर जैसे वो वीडियो में आप कर सकते हैं, ISO टाइम FOV सब आप जो है इसमें सेट कर सकते हैं। इसके भी सेटिंग में आप इमेज रोटेशन, वाईफाई वो ये सब सेम ही चीज़ है, सिर्फ आपका थोड़ा बहुत सेटिंग्स ऑप्शन वो चेंज हो जाते हैं ऊपर की तरफ से। बाकी ये है इसका फंक्शन और आगे चल के हम आपको इसके वीडियो क्वालिटी दिखाते हैं। तो ये है आपका इस कैमरा का सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन 4K एट 60 FPS जो आप देख पा रहे हैं, जो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा मुझे। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है आपका 4K एट 30 FPS, ये है आपका 2.7K एट 30 FPS, 2.7K में ये 30 FPS तक ही सपोर्ट करता है। 1080p में ये आपका 120 FPS से स्टार्ट होता है और अप टू 30 FPS तक आता है। तो ये है आपका 1080p एट 120 FPS, ये है आपका 1080p एट 60 FPS जो काफ़ी बेटर है, और ये है आपका 720p एट 240 FPS जो उतना ख़ास नहीं है। दोस्तों 4K 60 FPS में आपका EISA सपोर्ट नहीं करता है, तो यह है आपका 4K 30 FPS। आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी स्टेबलाइज्ड है। अब मैं इसको काफ़ी शेक करके दिखाता हूँ आपको, ये अच्छा है, मतलब स्टेबलाइज वीडियो आपका दिखाता है, और इस टाइम मैं इसको काफ़ी ज़्यादा शेक कर रहा हूँ फिर भी आप इसका वीडियो क्वालिटी देख पा रहे हैं। तो यही था दोस्तों हमारे आज के वीडियो में, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, आप लोगों को जाने से पहले एक राय देना चाहूँगा, वीडियो क्वालिटी से लेकर सब कुछ आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, अगर आप लोगों को लगता है कि ये आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है तो आप लोग ज़रूर इसकी तरफ देख सकते हैं। आप ज़्यादा पैसा GoPro या हीरो 20-30 हज़ार रुपये के जो कैमरे आते हैं उसको लेने से अच्छा मुझे मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में आप इसमें इसको ले सकते हैं। इनबिल्ट माइक, स्पीकर, डिस्प्ले काफ़ी क्लीन एंड शार्प डिस्प्ले है, डिस्प्ले में टचेस वगैरह कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, आप मोबाइल की तरह इसका डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया था, जो है इसका बैटरी रिप्लेसमेंट करने में आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होगा, जो है ये अगर इसको आप निकालते हैं, जैसे आप निकालेंगे तो इसका जो पार्ट है वो निकल जाता है जो शायद दूसरे में फिक्स रहता है, लेकिन इसमें यही एक प्रॉब्लम है कि आप जैसे ही बैटरी निकलने जाएंगे तो ये आपका डिटैच हो जाता है। बाकी और कोई प्रॉब्लम इसमें मुझे अभी तक फ़िलहाल नहीं मिला। आप लोग चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में, मिलते हैं आज कोई नेक्स्ट और वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए जैसे मैं वीडियो डालता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।